नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 7 सितंबर के सुबह 10 बजे से जो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हर दिन हर पल घरों में बदलती चाल हमारे जीवन पर कई प्रकार के नए बदलाव करते हैं, कई प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जहाँ पर हमको खुशी मिलती है और कई प्रकार की ऐसी सावधानी भी हमें रखने की आवश्यकता होती है जहाँ पर हमें थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, ऐसे ही 1 जून की सुबह 9 बजे से आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिनसे दोस्तों ग्रहों की शुभस्थिति के साथ आपको एक ऐसी मूल मंत्र प्राप्त होने वाली है। जी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सुबह 9 बजे से एक ऐसी मूल मंत्र आपको प्राप्त होने वाली है जिनसे आपके जीवन की बहुत सारी बद दिशाएं खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये मूल मंत्र से आप हैरान तो होंगे, लेकिन दोस्तों यह मूल मंत्र आपको कई रुके हुए कार्यों में गति लाने वाले हैं, कई ऐसे बंद दरवाजे खोलने वाले हैं जिनसे आप प्रसन्नता का एहसास करेंगे, यूं कहें तो खुशी से झूमेंगे। जी दोस्तों, समय और ग्रहों की स्थिति आपके लिए सुबह 9 बजे से बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। दोस्तों ऐसे में आप इनका बिल्कुल भी मिस यूज ना करें और समय रहते इनका सदुपयोग करें। जी दोस्तों, ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन से कार्य आपके लिए बाकी चलेंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से यश में मंगलवार के दिन आपको कौन कौन से सुधार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसमें दिनचर्या में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आएगा, उसे खुले दिल से स्वीकार करें, यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दोस्तों महिलाओं के लिए ये जो समय है, ये जो दिन है, विशेष रूप से शुभ रहेगा। उनकी क्षमताएं और उनकी प्रतिभाएं अपना मुकाम हासिल करने में मदद करेंगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिए कि कोई बीती हुई नकारात्मक बात आपका यश में खराब कर सकता है। बेहतर होगा कि वर्तमान प्रस्तुतियों पर ही अपनी ऊर्जा लगाएं। दोस्तों किसी भी प्रकार की उधारी से यश में बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। इसकी वजह से आपके जो संबंध है यश में खराब हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में हर बात को अपने विचारों के मुताबिक करना और करने की जिद रखना आपकी प्रगति में रुकावट ला रहा है। दोस्तों आसपास के लोगों के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश आपको यश में करनी चाहिए। काम से जुड़ी बातों में प्रगति प्राप्त करने के लिए और आपको इंतजार करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों किसी को दिया हुआ उधार पैसा यश में आपको वापस मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए जो है प्रतिष्ठा वर्धक रहेगा। किसी समारोह में जाने का आमंत्रण भी यश में आपको मिल सकता है। साथ ही दोस्तों यश में रुका हुआ कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी यश में किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से हल हो सकता है। दोस्तों साथ ही किसी प्रकार की पेमेंट के लेन देन संबंधी में सावधानी बरतें और दोस्तों उनसे दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों संतान की किसी नकारात्मक गतिविधियाँ या फिर संगति की वजह से परेशानी का कारण बन सकती है, परंतु दोस्तों बेहतर होगा कि गुस्से की बजाय दोस्ताना व्यवहार रखकर समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपके आलस्य की वजह से और लापरवाही की वजह से आपको मिले हुए मौके को आप गंवा सकते हैं। किसी काम को अधिक ना टालते हुए उनके प्रति और अधिक फोकस बढ़ाना यश में आपको चाहिए। दोस्तों यश में पैसे की कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपका कोई भी काम यश में पैसे की वजह से नहीं रुकेगा, तो दोस्तों चिंता यश में ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, राजनीतिक व फिर सामाजिक कार्यों के प्रति आपका रुझान रहेगा। दोस्तों यश में राजनीतिक संपर्क आपके लिए कुछ अवसर भी आपको प्रदान करेंगे। घर में भी रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा दोस्तों आपसी मेलजोल घर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा बनाकर रखेगा। संपत्ति संबंधी कुछ मुद्दे पर यश में विचार विमर्श हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी योजनाओं व फिर गतिविधियों की चर्चा किसी के सामने ना करें। ध्यान रखें कि दोस्तों यश में योजनाएं उजागर हो सकती है और उनका फलीभूत होना बहुत ही मुश्किल होगा।
विद्यार्थियों और युवा वर्ग लापरवाही की वजह से अपनी पढ़ाई व फिर करियर में किसी प्रकार का समझौता न करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यह समय सारे काम जो है वक्त पर पूरे होने की वजह से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये जो समय है आपके लिए, ये जो दिन है आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। यदि किसी बात में आपको प्रगति नहीं मिल रही है तो दोस्तों उनका असर जो है आप पर नकारात्मक तरीके से नहीं होगा। काम के बारे में योजना बनाकर आगे बढ़ते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे रिश्तेदारों में जो है किसी विवाह संबंधी समारोह में लोगों से मेल मुलाकात आपको खुशी प्रदान करेगी। दोस्तों, अनुभवी व्यक्ति के लिए जो समय होंगे उनके सानिध्य में आपको कुछ सकारात्मक बातें सीखने को मिलेंगी तथा दोस्तों यह समय आपको व्यक्तित्व में निखार भी जाएंगे। साथ ही दोस्तों यह समय आप जो है आपको अपनी कार्यकुशलता द्वारा उम्मीदों से अधिक सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय घर का वातावरण बहुत ही अनुशासित और संयमित बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। दोस्तों, अपने काम की अधिकता को घर के अन्य सदस्यों के साथ बांट लें, इससे आप जो है अपने काम को बहुत अधिक सरलता से पूरे भी कर पाएंगे। दोस्तों, यह समय केवल आत्म केंद्रित बने रहें, जिनकी वजह से कुछ रिश्तों पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल भी होगा। जो लोग आपके पक्ष में थे केवल आपके वर्ताव की वजह से आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय काम की जगह केवल अपना फायदा देखकर दूसरों की तरफ लापरवाही करना भविष्य में आपके लिए संकट पैदा कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अधिकतर कार्य फोन व फिर संपर्कों के माध्यम से ही संपन्न होंगे। घर बैठे आप व्यवसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित भी कर सकेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में भी गति आएंगी, नए ऑर्डर और अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ और विवेक द्वारा कुछ समय से चली आ रही समस्याओं में भी यश में सुधार आएगा। कर्मचारियों में भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों, आय के स्रोत में इसमें इजाफा होगी और दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा के भी योग बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आयात निर्यात संबंधी गतिविधियों में भी अभी रुचि ना लें। दोस्तों, यह समय आपके संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। यह समय कार्य क्षेत्र में अनुशासन और नियम को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अपनी फाइलें तथा पेपर वर्क को पूरी तरह से व्यवस्थित रखें। दोस्तों, टैक्स संबंधी कामों में भी किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। यह समय अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अधिक मनन व फिर चिंतन करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय पति पत्नी के सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। प्रेम संबंधों को मर्यादापूर्ण रखना यश में आपके लव लाइफ के लिए अति आवश्यक होंगे, तो दोस्तों इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में कुछ तकरार भी रहेगी, आपस में बैठकर समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, इनसे आप सकारात्मक परिणाम भी हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें, इससे आपसी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और प्रेम संबंध में भी हमें भावुकतापूर्ण रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल होने की वजह से घर में भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगा। दोस्तों, विवाहेतर संबंधों में इसमें दिलचस्पी ना लें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, व्यवसाय के तनाव की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रहेगी। यश में अपनी दिनचर्या को बहुत ही अधिक व्यवस्थित रखना आपके लिए आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों गलत खान पान की वजह से किसी प्रकार की एलर्जी या फिर पेट खराब होने जैसी समस्या रह सकती है। यश में आयुर्वेदिक चीज़ों का भी अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से सुस्ती और कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में पैरों में दर्द और सूजन जैसी समस्या रह सकती है, अपनी नियमित जाँच अवश्य कराएँ और दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।